जय श्री कृष्ण। कॉस्मिक एनर्जी सेंटर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ हिना ओझा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन प्रेसिडेंट कॉस्मिक एनर्जी सेंटर। और आज हम वीकली का प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं टैरोट कार्ड के ऊपर से। तो आइए देखते हैं ये वीक की मेष राशि क्या कहती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेष राशि, मेष राशि क्या कहती है। मेष राशि का थोड़ा मध्यम रहेगा ये वीक, थोड़ा बंधन योग आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है, अपने आप को सबके साथ इंट्रोड्यूस करना है, सबके साथ बातचीत करनी है, सबके साथ हिल मिल जुल के रहना है। थोड़ा बातचीत करने में थोड़े खचकाते हैं, किसी के साथ बात कैसे करूं मैं, किसी के साथ ज्वाइंट कैसे हूं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और आप रानी की तरह राज करने वाले हो, किसी का मानने वाले नहीं, अपनी खुद की करने वाले हो, लेकिन थोड़ा पे यहाँ पे अपना बिजनेस जमाना है, कुछ भी करना है, तो थोड़ा अपने आप को सबके साथ इन्वॉल्व करना चाहिए। बंधन योग आता है तो क्या करना है, एक कपूर लेना है, एक और लौंग लेना है, अपने आप को एंटी क्लॉक वाइज करके गायत्री मंत्र के साथ 7 टाइम कपूर और लौंग घुमाना है, फिर उसको एक ये मिट्टी का दिया लेके उसमें बंद कर देना है, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका पर्पल कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर। हो सके तो घर की वेस्ट दिशा जो है वहाँ पर आपको क्या करना है, एक कपूर और एक लौंग जलाना है, ताकि जो भी परेशानी आती है वो चली जाए। अभी आ रही है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। वृषभ राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कुछ जब भी आप नेगेटिव थॉट्स हो जाते हो तो तभी क्या करना है, सोने के टाइम पे आपको थोड़े नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो तभी आपको भगवान को याद करना है, उसके 11 मंत्र जाप करना है, फिर सुबह उठे हो तभी भी गायत्री मंत्र जाप करना है, हो सके तो वो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। और हो सके तो आपको क्या करना है, वो तो जब सोने जाते हैं तभी एक पानी का ग्लास भरना है, नमक डाल देना है और आपके सिरहाने के नीचे रख देना है, सुबह में उठ के वो पशु पक्षियों को डाल देना है, उससे नेगेटिव एनर्जी सारी चली जाएगी। अभी कुछ नए अपॉर्चुनिटी भी आ रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कहे राजा और रानी की तरह राज करने वाले, बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी, खाली नेगेटिव थॉट्स निकाल दिए, पॉजिटिव रहना है। लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका पर्पल कलर, ग्रीन कलर और लाइटेस्ट ग्रीन कलर और ब्लैक कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मिथुन राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कहीं पे चिल्ड्रन के गुड न्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं पे प्रेगनेंसी के न्यूज़ आ रहे हैं, कोई ओल्ड लेडी आपके जीवन में आके हेल्प करके जाएगी, आपका जहाँ पे कार्य रुका हुआ है वो काम आपका हो जाएगा, आपको सब जगह पे नाम और विख्याति मिल रही है, बहुत ही अच्छा वीक है। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर और लकी कलर रहेगा आपका लाइट ग्रीन कलर, मरून इज ब्लैक कलर, येलो कलर। हो सके तो आपके घर की जो साउथ ईस्ट दिशा है वहाँ पे घी का दिया जलाना है और माता जी को भोग में दाड़म धराना है, लड्डू धराने हैं वाइट कलर के, और हो सके तो रेड रोज भी धराना है, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। कर्क राशियों के लिए ये वीक कैसा है। कर्क राशियों के लिए ये वीक थोड़ा संभल के रहना है, थोड़ा कहीं पे ब्रेकअप आ रहा है, चाहे लव में हो, बिजनेस में हो, या तो रिलेटिव्स के अंदर हो, कोई आपको बोलते छोरा भूखे चला जाए, या तो आपको काम में या तो उसमें भी आपको कहते हैं कि उल्लू बना के चला जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है कि कैसे करना है, क्या करना है, कि आप कोई भी एग्रीमेंट ना करें, कहीं पर भी पैसा ना रोके, हो सके तो आप अपने में मस्त रहिए, कहीं किसी की भी एडवाइस ना लिए तो अच्छा रहेगा। कहीं पे हार्ट ब्रेक होता है तो लव में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो लव भी ना करें हो सके तो, और कहीं पे हार्ट सर्जरी भी हो सकती है कि थोड़ा वो भी प्रॉब्लम आ रही है, और पैसे की देती लेती करें तो सोच समझ कर करें, जो भी करें एग्रीमेंट के साथ करें, और ये भी के लिए मुलतवी रखे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं थोड़े, शायद लड़का हो या लड़की दोनों में से थोड़ी बड़ी एज होगी वो हो रहा है। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट, येलो और रेड कलर। अभी आ रही है सिंह राशि, तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। सिंह राशियों के लिए ये वीक कैसा है। सिंह राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, एक घर होगा दूसरा घर आप ले रहे हो, और फॉरेन के योग भी बन रहे हैं, कहीं पर लग रहा है कि एक के सपोर्ट से जाएंगे, दूसरे दो सपोर्ट मिलने वाले हैं, राजा और रानी की तरह राज करने वाले हो, तो ये वीक बहुत ही इंजॉय कीजिए। आपको क्या करना है, हो सके तो आपकी घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको हल्दी की गाठी रखनी है, थर्सडे के दिन 11 और 1 आपके साथ रखनी है,
और हो सके तो भगवान को भी थर्सडे के दिन येल्लो कपड़ा पहनाए तो काफी अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत ही ये लकी रहेगा, लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, 4 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका येल्लो रेडिश मरून कलर। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। कन्या राशियों के लिए ये वीक मध्यम रहेगा, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है कुछ बड़ी, और युवक युवती के शादी के योग भी बने, राजा रानी की तरह राज करने वाले आपके जीवन में जो भी पार्टनर आएगा बहुत ही अच्छा आएगा, बिजनेस के योग भी बन रहे हैं, और जो भी आपको लगता है कि ये मेरा शत्रु है, मुझे मेरा काम नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हो सके तो शत्रु को भी मित्र बना डालें और आप अपना काम नॉर्मली से निकाल लीजिए तो काफी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका येलो कलर, ऑरेंज कलर और व्हाइट कलर। हो सके तो आपको क्या करना है, आपकी घर की जो वेस्ट दिशा है वहां पे सरसों का तेल का दिया जलाना है, मीठा पान धराना है हनुमान जी को, और हो सके तो प्रसाद के तौर पे लेना है और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़कर करना है, तो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी और लाइफ में सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, तुला राशियों के लिए ये वीक कैसा है। तुला राशियों के लिए ये वीक अच्छा है, थोड़ा आपको किसी के एडवाइस की जरूरत है तो 2 जन के एडवाइस लेके फिर आगे बढ़िए तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको परेशानी हो रही है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कौन सा मार्ग अपनाऊँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो 2 जन के एडवाइस लीजिए जो आपके काम में माहिर है वैसे ही, और कहीं पे आपका इंट्यूशन पावर इतना अच्छा है कि आप अपने आप को आपको पता चल जाता है कौन मेरे लिए अच्छा कर रहा है, कौन मेरे लिए खराब कर रहा है, तो खास ध्यान रखना है। और आप कभी भी जज बने या तो कुछ उस जज की कुर्सी पे भी आए तो आपको न्याय अच्छा करना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, किसी का भी खराब नहीं करना है, जस्टिस दिखा रहे तो जस्टिफाई करना है सबके साथ, और आपका बहुत ही अच्छा है ये वीक। आपके लिए लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर, लाइट ग्रीन कलर, येलो कलर, और हो सके तो आपको रात शाम के टाइम पे चंद्र दर्शन करने, हो सके तो कुल देवी के दर्शन भी कर सकते हो और मन्नत भी ले ले तो आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। वृश्चिक राशियों के लिए ये वीक थोड़ा मध्यम दिखा रहा है, लेकिन अच्छा है, मध्यम है, पितृदोष थोड़ा दिखा रहा है, तो पितृदोष के लिए आपको क्या करना है कि पीपल के पेड़ के वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाना है, स्वीट धरानी है, मावा मिठाई, और हो सके तो जल लेके जाना है, उसमें कच्चा दूध, काला तिल, वो सब डालकर और 3 ओम प्रदक्षिणा करनी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। पितृदेव को प्रार्थना करनी है कि हमारे कार्यों में सफलता मिले, आप हमें ब्लेसिंग दीजिए, हमारी कुछ भी भूल चुक हुए तो हमें माफ़ कर दीजिए। लकी, और आपको लगता है कि मैं कौन से वे पे जाऊँ, दोनों रास्ते आपके लिए अच्छे हैं, कोई भी कार्य करें अच्छा रहेगा, बिजनेस भी, कुछ गुड न्यूज़ भी आ रहे हैं आपके घर के अंदर, कोई लड़के का आगमन हो रहा है, वो सूरज की तरह चमकने वाला है, और नया घर भी हो रहा है, 4 पीढ़ी देखने वाले हो, लड़का लड़का उसके लड़का उसका लड़का, और हो सके तो आप एनिमल्स भी रख सकते हो, आपके लिए वो भी बेनिफिट रहेगा। लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर, हो सके तो आपकी घर की जो ईस्ट दिशा है वहाँ पे आपको कपूर और एक लौंग जलाना है ताकि काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। धनु राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, कुछ मध्यम दिखा रहा है, आपके पास जो भी भगवान ने दी हुई है, भगवान ने शक्ति दी हुई, वो शक्ति का प्रयोग कीजिए और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़े, उसमें आप काफ़ी कामयाबी होगी। थोड़ा आपको लगता है कि थोड़ा आप वीक जा रहे हो, लेकिन थोड़े दिन खराब थे वो चले गए, अभी बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं, कहीं पे फॉरेन के योग भी बने, एक के सपोर्ट से जाएंगे दूसरा वहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप फॉरेन के योग को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, और कृष्ण भगवान आपके साथ हैं, बांसुरी बजा के आपको बता रहे हैं, आपकी जो भी अंदर की शक्ति है उसको बाहर निकालिए, लोगों को बताइए। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर, 5 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका येल्लो कलर, रेडिश मरून कलर और ग्रीन कलर। हो सके तो चंद्रदेव के दर्शन करें या तो आपके माता के दर्शन कीजिए, माता के पैर छू सकते हो, कुल देवी के भी दर्शन कर सकते हो और फिर काम की शुरुआत कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए ये वीक। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। मकर राशियों के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है, थोड़ी स्ट्रगल लाइफ है, नए बिजनेस है, नया एजुकेशन है, तो आपको उसमें थोड़ी आगे बढ़ के मेहनत बहुत करनी है, और युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा वीक है, और कहीं पे आपके नाम प्रतिष्ठा भी मिल रही है, शायद लड़का और लड़की को कहीं पे
कोई छोटी एज का भी मिल सकता है, बड़ी एज का भी मिल सकता है, तो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़िए, लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा येलो कलर, ब्लैकिश कलर और रेडिश मरून कलर। हो सके तो आप शनि देव के मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको सरसों का तेल का दिया आंकड़ा चढ़ाना, आंकड़े का हार चढ़ाना है, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और हो सके तो सिंदूर का तिलक जो हनुमान जी को चढ़ाया हुआ रहता है, वही तिलक प्रसादी के तौर पे महाराज से ले लीजिए, वही तिलक आप अपने सिर पे तिलक कीजिए तो उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है द कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, कुंभ राशियों के लिए ये वीक कैसा है। कुंभ राशियों के लिए ये वीक थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है कि आप जब सोने जाते हो तभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि आगे कैसा होगा क्या होगा, तो आप नेगेटिव थॉट्स निकाल दीजिए और पॉजिटिव हो जाइए। हो सके तो आप पूरी दुनिया घूमने वाले हो और अच्छा है, पीछे मुड़ के ना देखे पास लाइफ को भूल जाइए। और अभी आके जो भी दिन आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बहुत ही मैं कामयाब होने वाला हूँ ऐसा ही रखना है और पॉजिटिव थिंकिंग करना है। हो सके तो आपके सिरहाने के नीचे रात को सोते टाइम पे कपूर रखना है 5-6, और वो रखे 5-6 दिन, बाद में वापस नया कपूर रखे तो नेगेटिव थॉट्स सारे चले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। उठे तभी भगवान का नाम लीजिए, सोए तभी भगवान का नाम लीजिए। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, 6 नंबर। तो आपको क्या करना है, हो सके तो आपकी घर की जो साउथ दिशा है, पितरों की दिशा, मंगल की दिशा, तो आपको पितरों से आशीर्वाद लेना है और पितरों को प्रार्थना करनी है, वहाँ पे सरसों का तेल का दिया जलाना है, तो काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और पितृदेव को बोलो आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, मीन राशियों के लिए ये वीक कैसा है। पॉजिटिव थिंकिंग दिखा रहा है, कहीं पे नया घर लेने की बात हो रही है, पैसे के प्रॉब्लम के आप सोच रहे हो तो पैसे की प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी, आप पॉजिटिव थिंकिंग रहे, आप नया घर ले लीजिए, उससे परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, पैसे अपने आप अरेंजमेंट हो जाएगा। आप अपने घर के जो नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको निकाल बाहर फेंक दीजिए। हो सके तो गौमूत्र लीजिए और सारे घर में बाहर से गौमूत्र छाट दीजिए, सारे घर में कीजिए। और स्वस्तिक आपके जो घर की दहलीज रहती वहाँ पर 7 स्वस्तिक कीजिए कंकु के, और उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। और वहाँ पर शाम के टाइम पे कपूर और एक लौंग जलाना है मिट्टी के दिया में, और युवक जो हस्बैंड वाइफ रहते हैं उसके बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हो, तो उसको अपने आप सोल्व करने की अच्छी तरह का तरीका है कि बाग बगीचे में जा सकते हैं, वहाँ पे बैठे और तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करने, आप दो ही जन मिलके आप अपना सॉल्यूशन ला सकते हैं, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 6 नंबर, 4 नंबर। हो सके तो आपकी घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है वहाँ पे एक बंसी लाके भगवान की बंसी और मुरली या तो आप मोरपंख, ये दोनों चीज़ साथ में मिला के, ऐसा मोरपंख आता है और बंसी आती है, वो आपको वहाँ साउथ वेस्ट दिशा में रख दीजिए और वहाँ पे कपूर और एक लौंग जलाइए, ताकि आपके रिलेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है मनी रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और अच्छा रहेगा। तो कॉस्मिक एनर्जी सेंटर की ओर से मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से, आप सबको बहुत बहुत ये वीक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। थैंक यू वेरी मच।